हेलो स्कॉलर्स, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में जैक बर्ड के क्लास 7 के इंग्लिश बुक डहलिया के यूनिट नंबर 4B की पोएम आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड, जिसके पोएट विलियम ब्रैटी रैंड्स हैं, के पूरे स्टेंजा को लाइन बाय लाइन हिंदी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। साथ ही साथ इस पोएम के सारे क्वेश्चन आंसर्स को, जैसे ए एक्सप्लोर द पोएम के चारों क्वेश्चंस के आंसर्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन को, इसमें दिए हुए एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस के आंसर्स, बी वर्ड पावर के एंटोनिम मैचिंग को भी बहुत ही अच्छे ढंग से डील किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, देन प्रेस ऑन ऑल बेल आइकन टू गेट माय ऑल अपडेट्स। तो बिना देर किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड, अर्थ है मैं एक नई दुनिया को देखा, जिसके पोएट है विलियम ब्रैटी रैंड्स, जिनका बर्थ 1823 को और डेथ 1882 को हुआ था। ये एक प्रतिभाशाली पोएट और राइटर थे। ये अपनी बहुत सारी बच्चों के लिए लिखी गई कविताओं और चौसर्स इंग्लैंड के वॉल्यूम 2 के लिए बहुत ज़्यादा याद किए जाते हैं। ये बहुत सारे टॉपिक्स पर निबंध भी लिख चुके हैं, विशेषकर बच्चों के लिए काफ़ी सारे एसेज लिख चुके हैं। तो अब चलते हैं इनके लिखी हुई पोएम आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड की ओर। आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड यानी मैंने एक नई दुनिया को देखा। इस पोएम को समझने से पहले इन लाइनों को पढ़ें। किस तरह की दुनिया में आप रहना चाहते हैं, कल्पना कीजिए। एक ऐसे संसार का जहाँ सभी लोग एक जैसे दिखाई देते हैं और वहाँ कुछ भी नहीं बदलता। इस पोएम में एक बच्चा इसी तरह की दुनिया का सपना देखता है। इस कविता को पढ़िए ये जानने के लिए कि वो बच्चा उस नए संसार को पसंद करता है या नहीं। फर्स्ट स्टेंजा को देखिए। जब पोएट छोटा बच्चा था तो उसने अपने सपने में एक नई दुनिया को देखा, जहाँ सभी लोग एक जैसे दिख रहे थे। वहाँ कोई बच्चा नहीं था, वहाँ कोई माँ नहीं थी, वहाँ कुछ बदलता नहीं था, वहाँ कोई और नहीं था, कोई हंसता नहीं था, कोई रोता नहीं था, ना कोई थकता था, इसलिए कोई सोता भी नहीं था। तो ये था इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा। अब सेकेंड स्टेंजा को समझिए। मैं चाहता था कि घड़ी की आवाज़ को सुनूं, उस संसार में जहाँ लोग बिल्कुल एक जैसे थे। मैं वहाँ एक बदलाव, एक परिवर्तन, एक चेंजिंग चाह रहा था, जहाँ कुछ भी बदलाव हो लेकिन हो। मैं रोने की आवाज़ को सुनने के लिए बेचैन था, मैं हंसने की आवाज़ को सुनना चाहता था। अंत में मैं घड़ी के बजने की आवाज़ को सुना और मैं अपने सपने से उठा, उस छोटे से कमरे में जहाँ मैं सपने देख रहा था। ये था सेकेंड स्टेंजा। अब इसके तीसरे स्टेंजा और आखिरी स्टेंजा को देखिएगा। मेरी माँ जो मेरे करीब थी, उसके होठों पर एक स्माइलिंग थी और मैं एक बच्चे के शोर और रोने की आवाज़ को सुना। इस लाइन में आप क्रो वर्ड देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ कौवा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है, इसलिए यहाँ इसका मतलब होगा शोर करना या हल्ला करना। और मैं खुद सोचने लगा कि यह स्थान कितना अच्छा है, इस तरह के संसार में मेरे लिए रहना वास्तव में कितना अच्छा है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ इस दुनिया में चीज़ें घटित हो सकती हैं और घड़ियाँ आवाज़ कर सकती हैं, यानी समय का बदलाव हो सकता है और सारे लोगों में से कोई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं बनाए गए हैं। ये थी इस पोएम की लाइन बाय लाइन हिंदी डिस्क्रिप्शन। आइए अब ले चलता हूँ इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। ए एक्सप्लोर द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. राइट एनी 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन हिज ड्रीम, किन्हीं 3 चीज़ों को लिखिए जिन्हें पोएट अपने सपने में देखा। आंसर, द 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन हिज ड्रीम आर फॉलोइंग।
उन तीन चीजों को जिसे पोएट सपने में देखा निम्नलिखित हैं। वन, ऑल द फॉक्स वर सिम अलाइक, सभी लोग एक जैसे थे। टू, नो बॉडी लाफ्ड नो बॉडी वेप्ट, कोई हंसता नहीं था कोई रोता नहीं था। एंड थ्री, नन ग्रो वेरी एंड सो नन स्लेप्ट, न कोई थकता था न कोई सोता था। क्वेश्चन नंबर टू, इन व्हाट टाइप ऑफ वर्ल्ड डज द पोएट वांट टू लिव, किस तरह की दुनिया में पोएट रहना चाहता है। आंसर, द पोएट वांट्स टू लिव इन दैट टाइप ऑफ वर्ल्ड वेयर ऑल थिंग्स कैन हैपन, क्लॉक्स कैन स्ट्राइक एंड ऑल पीपल आर नॉट मेड सेम। पोएट उस तरह के संसार में रहना चाहता है जहां सभी चीजें घटित हो सकती हैं, घड़ियां बच सकती हैं, और जहां सभी लोग एक जैसे नहीं बने होते। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड द पोएट फील व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज ड्रीम, ही फेल्ट दिस इज गुड फॉर हिम टू लिव इन द वर्ल्ड वेयर ऑल थिंग्स आर नॉट मेड सेम। जब पोएट सपने से बाहर आया तो उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में रहना उसके लिए अच्छा है जहां सभी चीजें एक जैसी नहीं बनी हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, डज द पोएम अपील टू यू, व्हाई, क्या यह पोएम आकर्षित करती है, अगर हां तो क्यों। आंसर, यस द पोएम अपील्स मी बिकॉज इन सच टाइप ऑफ वर्ल्ड ऑल पर्संस लुक अलाइक एंड ऑल थिंग्स डोंट चेंज। हाँ, यह पोएम मुझे आकर्षित करती है क्योंकि उस तरह की दुनिया में सभी लोग एक जैसे दिखते हैं और सभी चीजें बदलती नहीं हैं, यानी वहां कुछ भी घटित नहीं होता है। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर टिक लगाइए। वन, आई रेफर्स टू हूम, आई वर्ड किसे संबोधित करता है। ऑप्शन ए चाइल्ड, ऑप्शन बी मदर एंड ऑप्शन सी पोएट। तो यहां करेक्ट ऑप्शन है ए चाइल्ड, क्योंकि आई वर्ड चाइल्ड को संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डज नाई मीन हियर, यहां इस पोएम में नाई का क्या मतलब है। ऑप्शन ए फार, ऑप्शन बी नियर एंड ऑप्शन सी अवे। तो यहां नाई मीन्स नियर होगा, यानी नाई मीन्स नजदीक। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ नाइस, सुंदर शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा। ए ऑलवेज मीन्स दूर, बी नेफ्यू मीन्स भतीजा एंड सी बैड मीन्स बुरा। यह तो बहुत ही आसान होगा, यहां सही ऑप्शन है सी बैड। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स, नीचे की पंक्तियों को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दे। नो बॉडी लाफ्ड, कोई हंसता नहीं था। नो बॉडी वेप्ट, कोई रोता नहीं था। नन ग्रो वेरी एंड सो नन स्लेप्ट, कोई थकता नहीं था और इसलिए कोई सोता भी नहीं था। अब यहां नीचे दो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हु आर द नो बॉडी मेंशन्ड अबव, ऊपर की लाइन में नो बॉडी कौन है, किसके बारे में लिखा गया है। आंसर, नो बॉडी मेंशन्ड फॉर दोज पीपल हु वर इन द चाइल्ड्स ड्रीम, नो बॉडी उन लोगों के लिए लिखा गया है जो बच्चे के सपने में थे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड नो बॉडी स्लिप, कोई भी लोग क्यों नहीं सोते थे। आंसर, इन चाइल्ड्स ड्रीम नो बॉडी स्लेप्ट बिकॉज दे वर नॉट टायर्ड, बच्चे के सपने में कोई भी व्यक्ति सोते नहीं थे,
क्योंकि वो थकते नहीं थे। नेक्स्ट पेज में है बी वर्ड पावर। मैच द फॉलोइंग एंटोनिम्स। नीचे दिए हुए विपरीत शब्दों को मिलाएं। तो पहले मीनिंग को समझिए। ब्लेम मीन्स दोष लगाना, डीड मीन्स मरा हुआ, अलाइक मीन्स एक जैसा, अनफिट मीन्स अस्वस्थ, लव मीन्स प्यार। अब इस तरह के वर्ड को देखिए। डिफरेंट मीन्स अलग, हेट मीन्स नफरत, प्रेज मीन्स बड़ाई करना, अलाइव मीन्स जिंदा और फिट मीन्स स्वस्थ। तो अब तो बहुत आसान हो गया। ब्लेम का एंटोनिम्स प्रेज, डेट का एंटोनिम्स अलाइव, अलाइक का एंटोनिम्स डिफरेंट, अनफिट मीन्स एंटोनिम्स फिट, एंड लव एंटोनिम्स बताओ बताओ बिल्कुल सही हेट। तो इस पोयम का डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ढेर सारा करना, और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।